अरे यार क्या है यार ये ड्रैगन को। अरे मैं गया मम्मे यार ये क्या नॉनसेंस है। अबे पोर्टल स्टार्ट हो भाई, कैसे स्टार्ट करूं। अरे बम्मे तो कैसे हो माइनक्राफ्ट के दीवानों, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं वॉनबी रेल में दुनिया का सबसे बड़ा नेदर पोर्टल बनाने वाला हूँ। तो लास्ट वाली वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने एक बढ़िया सी 7-स्टार लाइब्रेरी बनाई थी, जहाँ पे मैंने एंचेंटिंग टेबल, लाइब्रेरियंस को रखा था और बहुत सारी चीजें अपग्रेड की थी। और आज वाली वीडियो में मैं जाने वाला हूँ बहुत सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए। आप लोग को पता चलेगा कैसे। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं पानी और लावा से ऑब्सीडियन बनाने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं। वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा मैंने इतने सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट कैसे करे। और फिर जब नेदर पोर्टल बन जाएगा फिर धीरे धीरे करके हम जाएंगे एंडर ड्रैगन के पास। तो चलो फटाफट से गेम प्ले शुरू करते हैं। सो ओके गाइस, ऑफलाइन में जाके एक्सपी फार्म के थ्रू मैंने देखो अपना लेवल 31 कर लिया है, क्योंकि मेरे को एंचेंटेड टेबल पे जाके अपने ये अपग्रेड करने थे जितने भी टूल्स थे, और जितना भी मेरे को ये आर्मर है इस पे भी लगाना है मेरे को। इस पे मैंने एक पे लगाया था ट्राई करने के लिए, तो मेरे को बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स 4 मिला। अब वो पता नहीं क्या होता है भाई, मेरे को उससे बिल्कुल समझ नहीं आया। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। और गाइस देखो मैंने कितना अपग्रेड कर लिया है। उस वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैंने पूरा कंप्लीट करना है। और देखो मैंने ना थोड़ा डिफरेंट कलर दिया है, शेड्स दिया है। यहाँ पे ना बिर्च वुड था व्हाइट कलर का, तो मैंने थोड़ा ये वाला लगा दिया, आई थिंक ये अकासिया वाला है। और ये नेदर एक लगा दिया ताकि सुंदर लगे, मैं नेदर तो जाता रहता हूँ ना नेदर पोर्टल खोल के। तो यहाँ पे मैंने 4 बनाए थे तो 2 मैंने और ऐड कर दिया। आप ये सोच रहे हो कि मैंने ब्रूइंग पोशन कहाँ रखा है, ब्रूइंग पोशन मैंने इस रूम में रखा है गाइस, ताकि छोटा मोटा रहे और ज्यादा स्पेस भी ना खाए। तो आई थिंक मैंने अच्छा किया ना 6 बना के। कितने सारे लाइब्रेरियंस आ गए हैं, अब पता नहीं ये लोग क्या क्या देंगे, मेरे को समझ नहीं आता। चला बुक शेल्फ कौन देता है बे, ये क्या देगा। एक्वा अफिनिटी, व्हाट इज एक्वा अफिनिटी, कमेंट करके बता देना गाइस क्या होता है। रेस्पिरेशन 2, रेस्पिरेशन का मतलब ये तो शायद मुझे पता कि शायद पानी में सांस ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अनब्रेकिंग 1, ओके अनब्रेकिंग 1 ले सकते हैं। और इधर है लॉयल्टी 3, व्हाट इज लॉयल्टी 3 यार, ये सब चीजें मेरे को पता ही नहीं यार क्या होता है। एनीवेज आप प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। पहले तो यार अपना आर्मर उतार देता हूँ, नंगा पुंगा हो जाता हूँ। ओके तो सबसे पहले हम अपग्रेड करेंगे अपनी स्वॉर्ड को ही करते हैं यार, और अपग्रेड करने की कोशिश करते देखते और कुछ मिलेगा। अच्छा नहीं, मैंने स्वॉर्ड को सबसे पहले कर लिया था। चलो पिकैक्स को करते हैं, फॉर्च्यून 3। ओके फॉर्च्यून 3 क्या होता है ये तो मुझे कते ही नहीं पता यार, फॉर्च्यून 3 होता क्या है वैसे, पता नहीं। एनीवेज अब अपने चेस्ट को कर लेते हैं, रिक्वायर्ड लेवल 30। तो हूं तो मैं लेवल 30, अबे मैं लेवल 31 था, 28 कैसे हो गया। एक सेकेंड, ये अपग्रेड करने की वजह से लेवल डाउन हो जाता है। अबे ओ ये तो नहीं था यार, ये अपडेट के बाद हुआ है क्या। अरे डोंट टेल मी दैट यार, ये क्या नॉनसेंस बनती है भाई। अरे यार क्यों, सिल्क टच, ओ सिल्क टच, आपने मुझे बताया था कि अगर ग्लास तोड़ूंगा तो ग्लास कलेक्ट कर सकता हूं मैं। अनब्रेकिंग ले लूं क्या, चलो यार अनब्रेकिंग ले लिया मैंने। एनीवेज क्या कर सकते थे यार, अब मिल ही नहीं रहा था तो मैं क्या करूं, लेवल मेरा कम होते जा रहा है। चलो यार अब जो मिलता है लगा लो यार, थ्रोन्स भाड़ में जाए। प्रोटेक्शन 3 लगा लेते हैं, क्या मिल रहा है यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल और अनब्रेकिंग। अरे यार अनब्रेकिंग चाहिए था मेरे को, कुछ नहीं कर सकता यार अभी लेवल नहीं है मेरे पास। अनब्रेकिंग 2 और क्या दे रहा था ये, मैंने पढ़ा ही नहीं यार, बिना पढ़े ले लिया। फायर प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग 3, चलो गुड, अच्छा मिल गया यार, ऐसा नहीं है इतना भी बुरा नहीं मिला मेरे को। फटाफट से पहन लेते हैं। ओके अब मेरे पे कुछ एंचेंटमेंट तो लगी है भाई, ये चीज बढ़िया है। अब गाइस मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि मैं पहले लावा और पानी बना के ऑब्सीडियन कलेक्ट करूंगा, लेकिन मेरा दिमाग लगा यार ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैंने सोचा क्यों ना हम एंड वर्ल्ड में जाए, जहाँ पे एंडर ड्रैगन होता है वहां पे भाई ऑब्सीडियन के बहुत बड़े टावर होते हैं, याद है आपको। वहीं से ही मैं बहुत सारे ऑब्सीडियन तोड़ के लाने वाला हूँ, तो चलो फटाफट से एंड चलते हैं और ऑब्सीडियन तोड़ के लेके आते हैं भाई। ओ एक मिनट, एंड जाने से पहले आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। तो ओके गाइस जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे पूरा ऑब्सीडियन लगा दिया था और इतना बड़ा मैंने बना दिया था, मतलब ये कुछ था 30x40 ऐसा कुछ था। तो मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में वार्निंग दी है कि भैया आप पूरी मेहनत कर रहे हो, पूरी बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो आई थिंक एटीजी एडिट्स करके एक बंदा है, उसने मेरे को बताया था कि भैया
माइनक्राफ्ट में सिर्फ 23x23 ही नेदर पोर्टल बन सकता है, जो सबसे मैक्सिमम हाइट में होता है, उससे बड़ा आपका वर्क ही नहीं करेगा। तो मैंने बोला यार एक तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये वेस्ट हो जाएगा, बट एनीवेज जितना भी मैंने ये नीचे लगाया ये 23 यहाँ पे लगाऊंगा, फिर पूरा 23x23 का नेदर पोर्टल बनाऊंगा, भले ही इतना बड़ा ना बने लेकिन 23x23 भी बहुत बड़ा होता है। तो सिंस मेरे को बहुत सारे ऑब्सीडियन चाहिए, मेरे को लगता नहीं है गाइस एक पिकैक्स से होगा, मेरे को एक और पिकैक्स चाहिए होगी और उसमें भी मेरे को कुछ ना कुछ एन्चेंटमेंट लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से दो पिकैक्स ले लेते हैं क्योंकि मुझे पता है टूट जाएगी मेरी, आराम से टूट जाएगी। तो चलो इन दोनों में जाके फटाफट से एन्चेंटमेंट लगा के आते हैं। अनब्रेकिंग ही मिलता जा रहा है भाई मेरे को तो। ओके मैं अपनी बोट ढूंढ रहा था, मेरी बोट यहाँ पे पार्क हुई हुई है यार। चलो फटाफट से, अरे ओके लेट्स गो गाइस फटाफट से। तो गाइस अगर आप लोग ने मेरी सर्वाइवल सीरीज की सारी सीरीज देखी है तो आपको पता होगा मेरा एंड पोर्टल अंडरग्राउंड में था, बड़ी मुश्किल लगी थी भाई मेरे को वो ढूंढने में। और देखो मैंने यहाँ पे वो बना रखी है चेक पॉइंट्स, ताकि मैं कभी भूलू ना और मुझे बार बार आई ऑफ एंडर ना लेके जाना पड़े, या एंडर आई कुछ भी बोल सकते हो। ये आई थिंक मैंने 3 चेक पॉइंट्स बनाए हैं तो ये दूर से ही दिख जाते हैं यार, ये मैंने अच्छा काम किया था दिमाग। बिल्कुल सीधा 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 जाऊंगा, मेरे को दूसरा चेक पॉइंट मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से चले। तो ओके गाइस ये है मेरा सेकंड चेक पॉइंट, अब बस एक और चेक पॉइंट है, उसके बाद मैं अपना एंड पोर्टल में पहुंच जाऊंगा। ओके गाइस ये है मेरा थर्ड चेक पॉइंट जो फाइनल चेक पॉइंट है, और इसके बाद ही है यहाँ पे एंड पोर्टल। देखो बिल्कुल पानी के नीचे मैंने बनाया था, पूरा इसको कवर अप किया हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम है गाइस, अभी आपको मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, रुक जाओ। पहले यार सो जाते हैं यार, हैं दिन कर लेते हैं फिर नीचे चलते हैं, दिमाग खराब करेंगे मेरा ड्राउन ज़ॉम्बी। ओके सो दिन हो चुका है, अब जाते हैं नीचे अपने एंड पोर्टल में फटाफट से चलो। एक तो ये पानी कम कैसे करना है मेरे को समझ नहीं आ, अरे क्या फंस कैसे गया। हाँ ओके, अरे जा नीचे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा। ओ भाई बच गया, अभी दम घुट जाता मेरा। गाइस ये प्रॉब्लम है यार, मैंने देखो इतना अच्छा यहाँ पे ना ग्लास हाउस बना रखा है ताकि सारा पानी खत्म हो जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये पानी निकालू कैसे बाहर यार। ये मतलब ऑब्वियसली समुंदर के अंदर मैंने बनाया था लेकिन अभी भी मेरे को समझ नहीं आया, बट एनीवेज आप मुझे बता देना उसको पानी कैसे निकालना है। चलो और नीचे चलते हैं, अरे जाना नीचे, अरे हाँ मेरा यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है यार एंड बॉटल के पास। चलो कोई बात नहीं यार, क्या कर सकते हैं यहाँ पे और कुछ है। ओ भाई पूरा सामान है यहाँ पे, तो क्या बात है क्या बात है। एक बार मैं ड्रैगन के पास गया था गाइस ड्रैगन की पुंगी बजाने, उसने मेरी पुंगी बजा दी थी, लेकिन कोई बात नहीं लेट्स गो। ओ बाबे मुझे नहीं लड़ना ड्रैगन से भाई, नीचे देख के चलो नीचे देख के चलो, मुझे किसी भी एंडरमैन को नहीं देखना, अगर एंडरमैन ने मेरे को पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। मैं वाटर बकेट क्यों नहीं लाया, अरे कहाँ है ड्रैगन, नहीं मारना तेरे को साले। नीचे देखो नीचे देख, अरे यार अरे मेरे को मारना शुरू कर दिया। अरे यार मेरे को पानी का बॉटल लाना चाहिए था, पानी का बकेट बॉटल बोल रहा हूँ, वाटर बकेट लानी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं गाइस, चलो तोड़ना शुरू करते हैं। ओ मैं कुछ ब्लॉक्स क्यों नहीं लेके आया अपने आप को बचाने के लिए। अरे गाइस दो मिनट रुक जाओ यार, ए बम्बे क्या है, अबे क्या है, नहीं लड़ना मुझे अभी तेरे साथ। गाइस फटाफट से यार ये ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ यार, मैं ना बॉक्स बना लूंगा ताकि ड्रैगन और ये मेरे को तंग ना करे, फटाफट से ये तोड़ लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस मैंने बहुत सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए, अब चलते हैं वहां पे ना अपना थोड़ा छोटा सा वो मतलब बना लेंगे बैरिकेड शील्ड बना लेंगे ताकि ये लोग तंग ना करे मेरे को। चलो फटाफट से बैरिकेडिंग लगा लेते हैं और फिर तोड़ना शुरू कर देंगे। एक दो, अबे ओ ओ इसकी माँ की, अब अरे यार क्या है यार ये ड्रैगन को, कुत्ता किसी काम का नहीं है यार ये ड्रैगन यार। फटाफट से बैरिकेड, ओ बैरिकेड लगा दिया मैंने, बैरिकेड यहाँ पे भी बैरिकेड लगा दो, भग तुम्हारी तो भग, भाड़ में जा तू ड्रैगन के बच्चे ये। चलो बैरिकेड तो मैंने, ओए बच गया, अरे अरे मैं गया
मम्मे यार ये क्या नॉनसेंस है, इतनी छोटी सी जगह थी वहां से उसने ड्रैगन ब्रेथ फेंक दिया यार। अब मेरे को वापस से जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए, मैंने सब पे एंचेंटमेंट लगा रखी थी। ओ शिट, ओ अच्छा मैं यहीं पे हूँ, गए चलो फटाफट से नीचे चले, मैंने अच्छा हुआ यहाँ पे बेड लगा लिया था। अरे यार चलो जल्दी नीचे, गए फटाफट से एंड चलता, रुक जाओ मेरा सामान नहीं जल सकता। गाइस ऐसा नहीं हो सकता ना, ड्रैगन ब्रेथ मेरा सामान नहीं जला सकता ना, बहुत सारा डायमंड था। मम्मे वाह जल्दी टूट जा, अब ये घंटे तुम्हें पिकैक्स लाना भूल गया। अरे यार जल्दी टूट, ग्लास से तोड़ रहा हूँ, सोचो ग्लास से तोड़ रहा हूँ। ओ हे सारा सामान है, गाइस बच गया मेरा सामान, जल्दी टूट गई, जल्दी टूट, बच गया मेरा सामान, बच गया थैंक गॉड। अबे जल्दी लग जा पकोड़े, जल्दी घंटे लगा देता यार। ओ हद करता है यार वो ड्रैगन, फटाफट से चलो यार आर्मर पहनते हैं, शील्ड लगा लेते हैं, पिकेक्स को यहाँ ले आते हैं। सच में गाइस ये बहुत इरिटेट किया था मेरे को यार, फटाफट से ऑब्सीडियन तोड़ना शुरू करते हैं। वैसे गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पागलपंती क्यों कर रहा हूँ, ड्रैगन के पास आके कलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, वैसे सबसे इजीएस्ट तरीका है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑब्सीडियन मिलता है, वरना मेरे को हर केव के अंदर जाना पड़ेगा, लावा ढूंढना पड़ेगा और वाटर बकेट से पता नहीं ज्यादा लावा बनता भी नहीं है ना, मतलब ऑब्सीडियन बनता भी नहीं है, आधा तो कोबलस्टोन बन जाता है। तो सबसे अच्छा बेट यही था भाई एंड में आके ये सारा का सारा ऑब्सीडियन यहाँ से कलेक्ट करना। ओके गाइस मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दी ताकि आपको क्लियरली दिखे, अभी देखो मैंने अभी तक सिर्फ 9 ऑब्सीडियन कलेक्ट किए इतने टाइम में, यार टाइम बहुत लगता है ऑब्सीडियन तोड़ने में भाई। और गाइस ड्रैगन मेरे ऊपर फड़फड़ा रहा है मेरे को मारने के लिए, अच्छा हुआ मैंने ऊपर बैरिकेड लगा लिए भाई, ये देखो पूरा बैरिकेड लगा के मैंने अपने को सील बैक कर लिया। और जहां तक मेरे को लगता है ड्रैगन ब्रेथ से ना बाहर एंडरमैन मर रहे हैं, तो ठीक है मुझे क्या लेना देना यार, पिकैक्स से अच्छा तो यार एन्चेंटेड लेके आओ। अरे अबे नहीं, ओ भाई मेरी फट गई थी भाई, मैंने गलती से वो तोड़ दिया था, ड्रैगन का ब्रेथ वापस आ जाता है यार, ड्रैगन ने मुझे मार दिया था यार। 2 hours later सच बता रहा हूँ इरिटेट हो गया, मैंने पूरा ईयरफोन भी मैंने सब कुछ हटा लिया था, अब जाके मैंने लगाया क्योंकि ऑब्वियसली रिकॉर्ड भी करना है। सो इरिटेटिंग, जल्दी टूट जा। देखो मैंने वैसे तो एक स्टैक और 22 इतना तोड़ दिया, ऑलमोस्ट पूरा टावर को खोखला कर दिया तोड़ तोड़ के भाई। चलो अब चलते, आई थिंक इतना काफी है। जाना कहाँ से था, अबे जाना कहाँ से था, ओए नीचे देखो एंडरमैन मेरे पीछे पड़ेगा, भागो 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 एंडरमैन, मेरे को कुछ मत करियो बेटा। ओ ड्रैगन मेरे पीछे क्यों आ रहे, अरे इधर ही था ना, किधर था, एक सेकेंड इधर ही तो था भाई, अबे ओ हाँ ये रहा है, अबे पोर्टल कहाँ है, पोर्टल अरे पोर्टल कहाँ है, हैं मैं यहीं से तो आया था, एंड पोर्टल ओवरवर्ल्ड से तो मैं इधर ही आया था ना, और यहीं से ऊपर जाते हैं तो पोर्टल कहाँ गया, अबे पोर्टल स्टार्ट हो भाई, कैसे स्टार्ट करूं, मैं पागलों की तरह 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया भाई, ये मेरे को किसने बोला था एंड पोर्टल जाने को यार, इससे अच्छा तो पानी और लावा से ही बना लेता ऑब्सीडियन। डोंट टेल मी मैं यहाँ पे फंस गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फंस गया मेरे सारे ये डायमंड के वेपन और ये सब चला जाएगा यार, क्योंकि मैं तो लड़ ही नहीं पाऊंगा एंडर ड्रैगन से, एरो वेरो कुछ नहीं है मेरे पास, ना वाटर बकेट है ना फायर रेजिस्टेंट है, मैं कैसे लड़ू, कट गया मेरा भाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेदर पोर्टल बन ही नहीं पा रहा मेरे वर्ल्ड में यार, कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं यार, मैंने ये टावर ऐसे ही तोड़ दिया क्या, यहाँ पे होता है, अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। गाइस एक सेकेंड, मैं अपना सामान बचा सकता हूँ, आई कैन सेव माई सामान गाइज, होल्ड ऑन, अगर मैं जा नहीं सकता तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, रुक जाओ और मैं बताता हूँ क्या, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ठीक है यहाँ पे ना, ओके तो मुझे यहाँ पे कोई प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि मैं मर जाऊंगा चेस्ट लेके आऊंगा, हाँ मैं मर जाऊंगा और चेस्ट लेके आऊंगा, रुको यहाँ पे एंडरमैन मुझे मार, एंडरमैन मुझे यहाँ पे मार, जल्दी मार जल्दी मार,
मारो 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 मारो, तू भी मार, तू भी मार, जल्दी मार, जल्दी मार, मारो 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 मारो, मम्मे ओ मारो इसको। अरे मां किया, कहां उड़ा दिया कुत्ते के बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, गेम तो मेरी खराब हो गई कि मैं ऑब्वियसली एंड पोर्टल अब नहीं बना सकता क्योंकि ऑब्सीडियन कहां से लाऊंगा भाई। यार वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन एक चीज मैं कर सकता हूँ गाइस, रुक जाओ फटाफट से यहाँ चलते हैं। चल फटाफट से ये चेस्ट तोड़ लेता हूँ, वहां पे चेस्ट में सामान रख लूंगा। गाइस कोई पागल ही होगा बिना आर्मर बिना टूल बिना खाने पीने के एंड वर्ल्ड में आया है। मैं देखो कितना स्टूपिड हूँ भाई, कितना पागल हूँ मैं, दुनिया का सबसे पहला पागल हूँ मैं। चलो फटाफट से सामान को बचाते हैं यार, यहाँ पे ऐसा तो नहीं है चेस्ट नहीं लगा सकते। पहली बात तो मेरा सामान गया कहाँ, वो कुत्ते वो ये रहा, मिल गया सामान, थैंक गॉड। पकड़ो 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 सामान 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 सामान, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे भाई सारा सामान आ गया, यस चलो अब नो डर, मेरे को डर ही नहीं है, भाड़ में जा तू एंडर ड्रैगन के बच्चे, तेरी माँ का साकी नाका। चलो गाइस फटाफट से अपने चेस्ट पे सारा सामान मैं बैकअप कर लेता हूँ और फिर मर जाऊंगा, फिर ओवरवर्ल्ड जाऊंगा एंड देन आई हैव टू स्टार्ट अगेन। लगता है मेरे को अब लावा और पानी डाल के ऑब्सीडियन बनाना पड़ेगा यार, बहुत सारा बनाना पड़ेगा। क्या यार, चलो यहाँ पे कहीं पे चेस्ट सेव करके रख लेते क्योंकि यहाँ ड्रैगन आ नहीं पाता, तो यहाँ पे सामान बचा के रख लेते हैं। ये दिमाग लगा लिया, इसको बोलते हैं दिमाग। डोंट टेल मी यहाँ पे ब्रेथ छोड़ेगा वो। अबे चलो अपना आर्मर बचा के रख लेते हैं, चलो एटलीस्ट इन फ्यूचर यूज कर लेंगे भाई, यहाँ पे बचा रहेगा यहाँ पे। चलो ओवरवर्ल्ड चले, ओए मारो, ओए कौन मारना चाहेगा मुझे, मारो तुम्हारी माँ का नाका। ओए शील्ड शील्ड शील्ड, ओ भाई हाइट में कितने लंबे हैं ये लोग। भागो, भागो, हाइट में बहुत लंबे हैं यार ये तो। अरे पीछे पड़ गया कुत्ते का बच्चा। अरे यार, अरे बम्बे, अरे बम्बे, अरे मेरे पीछे पड़े हुए यार, अरे हाइट में बहुत लंबे। अरे मारो मारो मारो, मजाक कर रहा था यार, टाइम पास कर रहा था। तो गाइस देखा मेरी किस्मत कितनी फूटी है, मुझे लगा आज वाले एपिसोड में फाइनली बन जाएगा भाई नेदर पोर्टल यार, लेकिन नहीं बना। मतलब नेदर पोर्टल तो बना हुआ है, सबसे बड़ा नेदर पोर्टल बनाना था, मेरा चॉप हो गया भाई, मैं तो अटक ही गया एंड वर्ल्ड में जाके, मुझे क्या पता था वहां से वापस नहीं आ सकते यार। लेकिन पक्का मैं करके रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये मेरा वादा है गाइस। अब प्लीज देखो मेरी बर्बादी तो हो गई, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और प्लीज मुझे खुश कर दो गाइस, प्लीज कमेंट करके बता देना और क्या कर सकते हैं और ऑब्सीडियन कैसे मिलेगा। ठीक है गाइस, जल्दी मिलता हूं मैं आपको, बाय बाय।